लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। टी या कॉफी? मैम, ओह, आई एम सो सॉरी। टी या कॉफी? कॉफी, ब्लैक, नो शुगर प्लीज। फॉर मी टू, ब्लैक, नो शुगर। ओके प्लीज। या, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। यू वेलकम। हम ऐश्वर्या। हाय, आई एम कैथरीन। हे, हम पहले भी मिल चुके हैं ना? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? पता नहीं, बस ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि हम कहीं मिले हों, या शायद एयरपोर्ट में देख लिया हो। जब से फ्लाइट टेक ऑफ हुई, मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूं, लेकिन जैसे ही आप आए, आप हेडफोन लगाकर सो गई। हाँ, फ्लाइट में अक्सर मुझे घबराहट सी होती है, इसलिए मैं आंखें बंद करके म्यूजिक सुनना पसंद करती हूँ। मैं भी। तो आप कहाँ से आ रही हैं, लंदन या अमेरिका? लंदन। मैं एक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आई थी। मैं एक VFX आर्टिस्ट हूँ, यू नो, मूवीज वाले विजुअल इफेक्ट्स। वाओ, दैट्स सो कूल। और तुम कहाँ से हो? मैं अमेरिका से लौट रही हूँ। वहाँ मैं रिश्तेदारों से मिलने गई थी, मेरी शादी होने वाली है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। आर यू मैरिड? No, well, I just have a... Boyfriend? Yeah. Cool, nice. Okay. आप बुरा नहीं मानेंगी तो मैं कुछ कहूँ? छह घंटे की हमारी इस लंबी सफर में थकान और टेंशन दूर करने के लिए आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताइए और मैं अपने फियांसे के बारे में। Come on, टाइम पास हो जाएगा। ठीक है। पहले तुम। What? मैं क्यों? Of course, आइडिया मेरी थी, इसलिए मैं स्टार्ट नहीं करूंगी, तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके। एक्चुअली स्टोरी थोड़ी फिल्मी है, तो अब तो मजा आएगा। उसका नाम है गौतम। गौतम बात कर रहा हूँ। अरे सैम, कोई गौतम लाइन पे है? ए गौतम। सैम, मेरे दोस्त, 10 सेकंड में पहुंच रहा हूँ पार्किंग में। अरे भाई, पार्किंग लॉट में मेरी शादी नहीं है। अबे, गाड़ी पार्किंग में नहीं लगाऊंगा तो शादी में कैसे पहुंचूंगा? चल फोन रख। रुके रुके, कहाँ जा रहे हो? यहाँ सब महंगी गाड़ियाँ लगी हैं, छोटी गाड़ी के लिए जगह नहीं है। ऊपर वाले को पर्सनली जानता है क्या? क्या पता है ना, अमीर लोगों को जन्नत नसीब नहीं होती। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए यहाँ जगह नहीं है। खुद ही अपनी आंखों से देख लो, यहाँ सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ हैं और तुम्हारी गाड़ी छोटी है। ये तुम्हारे लिए जहन्नुम है। जहन्नुम नहीं है मेरे दोस्त, ये तो जन्नत है। तुम अपनी छोटी बड़ी की कहानी अपने पास रखो और ये गाड़ी पार्क करो, मैं अपनी कहानी के राजकुमारी सुनने जा। अबे अबे रुक जा, ये मजनू कहाँ जा रहे? साला खटारा पकड़ा गया। अबे अगर मैंने छोड़ दिया तो जमीन पे गिर जाएंगी, आपके फूल खराब हो जाएंगे। हे, छोड़ो मुझे, हील टेढ़ी हो गई है। खराब हो गई। ओ गॉड, अब क्या करूं? जरा एक मिनट देंगी? टेढ़ी हील वाली सैंडल से बेहतर है हील ही निकाल दो। लाइए दूसरी दीजिए, दीजिए दीजिए। अब आपकी सैंडल फ्लैट हो गई। अच्छी है ना? अब ना तो हील टेढ़ी रही और ना तुम्हारी चाल टेढ़ी रहेगी। अपनी लव स्टोरी का पहला गिफ्ट दिया और भाग गई। परिशुद्ध प्रभुवा वरदूतालय नानी वाणी मन
God bless you, my child. मेरी शादी के फोटोज आ गए हैं। इस शादी की फोटोज देखकर मैं क्या करूंगा? अपनी गलती की फोटोज कौन देखता है बे? भाई तेरी गलती भी फोटो में कैप्चर्ड है। क्या बोला? वो लड़की याद है कैथरीन जो मेरी शादी में आई थी। यार लाइफ में तो तू कभी सीरियस था नहीं, उसका नाम लेते ही इतना सीरियस हो गया। ए, इतनी भी क्या जल्दी है? कैथरीन शीज एमबीए क्वालिफाइड और वो मेरी वाइफ की क्लासमेट। डिग्री का मैं क्या करूंगा बे? मुझे ये बता जॉब कहाँ करती है? अहमदाबाद से एमबीए किया है तो जाहिर है कि वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जरूर नौकरी करती होगी। अरे ऐसे वैसे नहीं है वो। प्यार में ये डिग्री विग्री कोई मायने नहीं रखती भाई। डिग्री इतनी अच्छी है तो जॉब भी अच्छी होगी। मुझे वो बातें पता जो मुझे नहीं पता। क्या मतलब? एड्रेस। क्या बात है, कहीं बाहर जा रही हो क्या? मैं कहीं और शिफ्ट हो रही हूँ। क्यों शिफ्ट हो रही हो? दुनिया को पता चलेगा कि अपने होने वाले पति का घर छोड़ के जा रही हो तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। मेरी बात मानो डार्लिंग, मुझसे शादी करो और इसी घर में रहो। भले ही मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ बट इट्स ओके। तुम्हारे लिए ये सब ओके हो सकता है, अब जमाना बदल चुका है। चलो हटो। तुम नहीं जा सकती। डेविड देखो 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 कैथरीन, मेरी कुछ तो रिस्पेक्ट करो। शायद तुम ये भूल रही हो कि हमारी शादी बचपन में ही तय हो गई थी। देखो रुक जाओ। अरे अरे मान जाओ। सुनो तो कैथरीन, कैथरीन रुक जाओ। देखो तो पछताओगी कैथरीन। कैथरीन मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। भाई साहब गाड़ी निकालो। कैथरीन सुनो सुनो, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? हाँ सब पता है मुझे, तुम बचपन से ही पसंद नहीं हो, मुझसे तुम दूर ही रहो। हाँ छोड़ो। क्यों, तुम्हें कोई दूसरा मिल गया है क्या? क्या बे बुड्ढे, कौन है रे तू? तू कौन? मैं तो मैं हूँ, तू कौन है? बुड्ढे बड़ी जान है तुझमें तेरी तो। अरे क्या कर रहे हो? मेरा बैग। ये क्या हो गया? इनर वेयर आउट हो गया। ये मेरा मंगेतर है। है? ये बुड्ढा? अरे गॉड। एक मिनट, मैं कुछ समझा रही। ओ भाई साहब चलो ना। एक मिनट, सॉरी मेरी बात तो सुन। क्या चाहिए तुम्हें? बुड्ढा सच में मंगेतर है? हाँ मेरा मंगेतर है। यहाँ से जाओ, ये क्रिमिनल है वरना मार देगा। मैंने क्रिमिनल से पंगा ले लिया, इसको तो मारना पड़ेगा। सॉरी मंगेतर, मेरी एंट्री तो ठीक थी पर एग्जिट में गड़बड़ हो गई। अंकल जी बाय बाय। ठीक है। कैथरीन मैडम आपका पार्सल। ये लीजिए मैडम, यहाँ साइन कर। कैथरीन साइन। इसमें क्या है? मुझे क्या पता? थैंक यू मैडम। लगता है कोई प्रमोशन किट है। जो हुआ उसके लिए सॉरी। क्या हुआ था? मैंने आपके लिए टॉप फ्रेंड्स खरीदे हैं। अगर अच्छे ना लगे तो एक हफ्ते में वापस कर दीजिए, और अगर अच्छे लगे तो इसमें से बेस्ट ड्रेस पहन कर मेरे साथ डिनर पर चलिए। कौन है ये? गौतम? वाओ रियली नाइस, सो कूल। महंगा है ये भी।
कोलिग बसंती, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ऑफिस से उस बॉक्स को जितना संभाल कर घर तक लेकर आई हूँ, मैं सब समझ गया हूँ। क्या समझा तू? हाँ बता ना क्या समझा। यही कि अब ड्रेस रिहर्सल शुरू होगी। हे, तुम मुझे अपना सेल्फी भेजो। क्या कहा? सेल्फी। काय को? बाद में बताऊंगी। अभी भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ, तुम रुको। स्मार्ट हो ना। सिक्योरिटी गार्ड के काम के लिए इतने पोज देने की क्या जरूरत है? सिक्योरिटी? हाँ, हमारे ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। तब तुम मुझसे डायरेक्टली मिल सकते हो। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? क्या मतलब? चाओ। ए, 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 क्या थे? टेक्नोलॉजी बदल गई, लड़कियां नहीं बदली। लंच, चलो। एक्चुअली आज लंच पे हम लोग लंच लाया हूँ मैं, डिनर भी लाऊंगा। खाकर बताना कि कैसा लगा। मटन बिरयानी, कबाब, गाजर का हलवा, सब मेरी फेवरेट है। तुम्हारी भी फेवरेट है ना, मैंने FB पे पढ़ा था। बाय द वे थैंक यू इसका नंबर देने के लिए। खा लेना, लो पकड़ो ना। बाय बाय बसंती। तुम जाओ यहाँ से, बॉस मेरी वाट लगा देगा। प्लीज। क्या मतलब? तुम्हारे बॉस को दूं क्या मंगेतर वाला? बिरयानी बहुत अच्छी थी। ओह, मुझे क्लाइंट से मिलना है, अभी आती हूँ। तुम जाओ। हाँ सर, डिस्पैच हो गया है, आपके पास पहुँच गई हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो? अंकल हो क्या? मेरी रोप में स्प्रिंग एक्शन था, जितनी फास्ट नीचे गया उतनी फास्ट ऊपर आ गया। देखो टाइम पास के लिए किताब भी लेकर आया हूँ, पेज नंबर 32। क्या जोक है यार। कैथरीन, हेलो सर। तुम्हारा पासपोर्ट रेडी है ना? किस लिए सर? अरे हमें लंदन जाना है VFX वर्कशॉप के लिए। तुम सब बातें भूल जाती हो। दू क्या? तुम क्या दोगी? आप तो जानते हैं मुझे लंदन बहुत पसंद है। मैं जानता था, वैसे तुम्हारी फ्लाइट कल है। ठीक है सर, अभी तुम जाते हो। तुम तो बड़ी मजाकिया हो कैथरीन। मुझे पता है तुम्हें मजा आ रहा है। यस सर। कैथरीन सब ठीक है ना? अब मैंने क्या किया? कुछ नहीं सर, यूं ही कह रही थी। मार डालूंगी। क्या कह रही हो? Stop it! अच्छा ठीक है ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। तुम बस याद से पासपोर्ट जमा कर देना। तुम यहाँ से चले जाओ। मूड नहीं है। इसका क्या मतलब? पर मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं तो नहीं जाऊँगा। कैथरीन, वो मूवी के क्लाइमैक्स का CG इफेक्ट्स रेडी है क्या? रेडी है सर, 1 मिनट। घुटन हो रही थी, पर क्या VFX किया है? सुपर हिट है, फिल्म सुपर हिट है। तुमने
क्या सीजी इफेक्ट किया है, इतना रियल वहां पर अंदर डाला और यहां से निकला।